अभी हम लोग कॉमन पोटेंशियल की बात कर रहे थे, कॉमन पोटेंशियल इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q2, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये चार्ज ट्रांसफर है, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। 4πε0R1 कैपेसिटेंस है पहले का, 4πε0R2 कैपेसिटेंस दूसरे का। यहाँ देखिए कॉमन पोटेंशियल भी की हम बात करें मैथमेटिकल, अगर हम देखते हैं तो सम ऑफ न्यूमरेटर्स ये और ये दोनों को सम करेंगे तो क्या आ रहा है, ये देखिए Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय ये C1 प्लस C2, इसको हम सम करेंगे तो कितना आएगा, इसको हमने बता दिया C1, ये क्या भाई C1, ये क्या है C2, तो क्या आ रहा है C1 प्लस C2। तो इस तरह के कंडक्टर को जोड़ने के बाद जो पोटेंशियल हमारे पास आ रहा है कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल के बाद टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, है ना। सवाल ये है, यहाँ पर ये होता है, तो अगर कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। पहला अगर हम सोचें कि कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू जीरो हो सकता है, कब होगा, जब Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू जीरो, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दोनों कंडक्टर के पास होंगे, तो उस केस में भी क्या होगा, कहानी में क्या होगी, अगर दोनों के पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। मान लो कि एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये, ठीक है, इसके पास हमने 10 कूलम्ब रख दिया, इसके पास हमने +10 कूलम्ब रख दिया, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अगर मैंने इन दोनों को कनेक्शन लगाया तो आप एक बार में उसका क्वेश्चन का आंसर बता देना, एक बार में इसका आंसर बता देना कि इसकी कॉमन पोटेंशियल हो जाएगी जीरो, सीधी सी बात। इसमें टाइम नहीं लगाने का कि इसका कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। दूसरा केस हम लोग पढ़ेंगे कि कॉमन पोटेंशियल की बात अगर मैं करता हूं तो याद रखिएगा कि कॉमन पोटेंशियल अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं Q1 प्लस Q2 इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि इसमें नेट चार्ज दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है। इस कहानी में जैसे ही इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब कॉमन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव नहीं आ रहा, ठीक है, तब कॉमन पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा। तीसरी कहानी यह है कि Q1 प्लस Q2 इज लेस देन जीरो, तो उस कहानी में कॉमन पोटेंशियल इज लेस देन जीरो, ठीक है, ओके। और इसको समझिए, मैंने क्या बताया कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q1 के बदला हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1V1 लिख सकते हैं, Q2 के बदला क्या लिख सकते हैं, C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है वो क्या है, ये एवरेज टाइप का है, V1 कॉमन पोटेंशियल जो V1V2 दिया हुआ है, ये इन दोनों का एवरेज हम लोग लिख रहे हैं कैपेसिटेंस के टर्म में अगर लिखें, ठीक है। तो इस कहानी को भी आप लोग अच्छे से समझिएगा कि इस कहानी में अगर हमने ये पॉजिटिव पोटेंशियल निगेटिव पोटेंशियल अगर हो गया तो कहानी जो भी होगी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो पढ़ रहे थे, इसमें अगर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया दूसरा निगेटिव आ गया, ठीक है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो कहानी क्या होगी, तो एक बार में आप उसका कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हो जनरल फॉर्मूला लगा करके। मान लो इसका चार्ज कितना है 10 कूलम्ब और इसका है 1 कूलम्ब, तो अब बताओ कि इसका नेट पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल कितनी होगी, कनेक्शन के बाद कॉमन पोटेंशियल कितनी होगी, -10 कूलम्ब है 1 कूलम्ब है, और कैपेसिटेंस इसका मान लो कि 2 फेराड, इसका 2 फेराड और इसका 3 फेराड, ठीक है, उस केस में बताओ क्या होगा। तो चार्ज
तो कॉमन पोटेंशियल निकालना काफी आसान है, फॉर्मूला लगाइए Q1 प्लस Q2 माइनस 10 प्लस 1 कितना आ रहा है माइनस 9 कूलम है पोटेंशियल, ठीक है, और दोनों का कैपेसिटेंस कितना है 5, लिख सकते हैं इस तरह से, ये कॉमन पोटेंशियल आ रहा है, इट इज कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, ये क्या है भाई कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। अगर ये माइनस 10 है और ये 100 ये 20 है, ये 20 है तो क्या करोगे, कैपेसिटेंस उतना ही है तो क्या करोगे, काफी आसान है समझना। तो फिर हम कॉमन पोटेंशियल अगर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, 20 माइनस 10 कितना आया 10, टोटल चार्ज इतना है डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, बस खत्म कहानी, मतलब 2 वोल्ट है ना। तो इस तरह से हम लोग कहानी को समझ सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल निकालना काफी आसान है, फॉर्मूला याद रखिएगा टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज बाय कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर है ना। तो ये जो C1 प्लस C2 आ रहा है ये पैरल कॉम्बिनेशन लग रहा है ना, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन पैरल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ये लग क्या रहा है पैरल कॉम्बिनेशन मतलब कैपेसिटेंस बढ़ी है, पैरल कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है कैपेसिटेंस अभी बढ़ा है, ठीक है ना, अच्छी बात है। अगर हमारे पास चार्ज नहीं दिया हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है तो भी हम निकाल सकते हैं, कहानी को बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस चीज को और आगे चलते हैं V1 और V2 के टर्म में, तो C1 के बदला हम लिखते हैं 4πε₀R1, C2 के बदला लिखते हैं 4πε₀R2, ठीक है, 4πε₀ दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां मैं क्लियर कट आपको बता दे रहा हूं है ना, R1 इंटू V1 प्लस लिखेंगे 4πε₀R2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 4πε₀R1 प्लस 4πε₀R2 है ना, इस तरह से लिखेंगे तो 4πε₀ कैंसिल हो जा रहा है, कहानी क्या आ रहा है ये आ जा रहा है R1 V1 प्लस R2 V2 डिवाइडेड बाय क्या है R1 प्लस R2 है, ठीक है, ये आप कहानी को समझ सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। अब जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो डिपेंड करता है साइन पे, किसका हायर पोटेंशियल है किसका लोअर पोटेंशियल है, साइन क्या है वो आप आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है, उसी हिसाब से हम फाइंड करेंगे। तो ये जनरली हमने आपको बताया, ठीक है। सिमिलरली आप ये केस भी हैंडल कर सकते हो, दूसरा केस अगर मैं आपको दूं कि V2 is greater than V1, V2 हायर पोटेंशियल है V1 लोअर पोटेंशियल है, तो उस कहानी में क्या होगा वो भी आप लोग बताओ, उसको भी आप लोग स्टडी करोगे, उसे भी हम लोग समझेंगे आप, ओके। अब देखिए कि चार्ज ट्रांसफर हुआ एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के पास, चार्ज तो ट्रांसफर हुआ लेकिन जो चार्ज ट्रांसफर हुआ आफ्टर शेयरिंग कितना चार्ज पहले कंडक्टर को मिला दूसरे कंडक्टर को कितना मिला चार्ज, ये हम लोग लिख सकते हैं। अगर हमें कॉमन पोटेंशियल क्वेश्चन में बोल दे कि कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू 20 वोल्ट, मान लो कि कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू 20 वोल्ट आ रहा है क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है, और C1 की वैल्यू अगर 2 फेराड दे दे और C2 की वैल्यू 5 फेराड दे दे, तो बताइए कि आफ्टर शेयरिंग दिस कंडक्टर्स कंटेन हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज लगता है अपने ऊपर। तो Q1 डैश की वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं 2 × 20 दैट इज इक्वल टू 40, ये कितना है 5 × 20 कितना है 100, ये आ जा रहा है कितना, ये कितना आ जा रहा है 40 कूलम, और ये कितना आ जा रहा है भाई, ये आ जा रहा है 100 कूलम है ना। तो ज्यादा चार्ज किसके पास आया, तो चार्ज कम ज्यादा होते रहता है ना, इक्वल चार्ज की बात, इक्वल चार्ज नहीं आ रहा है, ये अलग अलग चार्जेस हैं। तो चार्ज को देखो यहाँ पे Q1′ / Q2′ अगर लिखेंगे तो C1 / C2 R1 / R2, मतलब ये क्लियर कट दिख जा रहा है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, चार्ज जो है डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस पे, और ये कैपेसिटेंस डिपेंड करता है रेडियस पे, आप देख सकते हैं इस चीज। तो इस तरह से हमारा कहानी बन रहा है शेयरिंग ऑफ चार्ज में, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, कितना
ठीक है, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ वो भी निकाल लिया हमने, कितना एक कंडक्टर के पास है वो भी कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं। अब एक और केस हम लोग हैंडल करते हैं, जिस केस में मान लो ये कंडक्टर और ये कंडक्टर, ठीक है, मान लो इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। ठीक है, ये दिख रहा है, अभी भी दिख रहा होगा कि R2 is greater than R1। मान लो ये V1 है और ये क्या है, V2 है। ठीक है, चलिए इससे पहले वाले केस में थोड़ा सा और समझते हैं कि चार्ज डेंसिटी की बात करें, पहले कंडक्टर पर इनिशियली चार्ज डेंसिटी कितनी थी, तो सिग्मा वन, दैट इज इक्वल टू सिग्मा वन। सिग्मा वन मतलब होता है क्यू वन बाय फोर पाई आर वन स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सिग्मा टू का मतलब क्या होता है, सिग्मा टू का मतलब होता है क्यू टू बाय फोर पाई एप्सिलॉन आर टू स्क्वायर। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा किसका होगा वो हम समझ सकते हैं यहाँ पर, Q1 by 4 pi epsilon r1। ठीक है, ये वोल्टेज V1 ले सकते हैं, है ना, V1 by r1। ठीक है, और ये क्या है, V2 by r2। ठीक है, तो जो चार्ज डेंसिटी आएगा इनिशियली जितना है वो हम निकाल सकते हैं, फाइनली कितना होगा वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली जो आएगा वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कितना चार्ज आ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू क्यू वन डैश बाई, है ना, फोर पाई एप्सिलॉन आर वन स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू वन डैश जितना आएगा वो हम लोग लिख लेंगे डिवाइड बाई आर वन स्क्वायर, है ना, फिर हम लोग सिग्मा टू डैश भी निकाल सकते हैं सिग्मा। ठीक है, वो एक अलग चीज़ें हैं, वो भी आप डिलीट कर सकते हो, देख सकते हो, फाइंड कर सकते हो कि सिग्मा वन की वैल्यू ज़्यादा है या सिग्मा टू की वैल्यू ज़्यादा है। अब चलिए इस सवाल के ऊपर हम सोचते हैं कि इस केस में, पहले केस में हमने क्या किया था, पोटेंशियल वी वन को हायर पोटेंशियल रखा था, अब हम क्या करते हैं वी टू को हायर पोटेंशियल पर रखते हैं, वी टू इज एट हायर पोटेंशियल देन वी वन। ठीक है, अब चार्ज ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, अगर हमने एक मेटेलिक वायर से इसको कनेक्शन लगा दिया तो ये हायर पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल पे है, चार्ज ट्रांसफर हायर से लोअर में जाता है, दोनों को पॉजिटिव चार्ज अगर हम समझ के चलते हैं। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल पर है और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है, इसकी कैपेसिटेंस सी वन है और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी टू है। ठीक है जी, सी वन सी टू कैपेसिटेंस अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस केस में कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है कैपेसिटेंस की, चार्ज ट्रांसफर होगा कहाँ से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब चार्ज कितना होगा, सी वन वी वन, इसकी चार्ज कितना है, सी टू वी टू, जो भी आएगा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका चार्ज कितना आएगा वो हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, पहले से पता है सी वन वी वन, और इसका चार्ज कितना होगा, दैट इज इक्वल टू सी टू, जब इसको पोटेंशियल वी टू से चार्ज किया गया था, दैट इज इक्वल टू सी टू वी टू। ठीक है, एक केस हमने रखा है वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, तो सीधी सी बात है, चार्ज कम रहे ज़्यादा रहे इससे मतलब नहीं है, चार्ज हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, और तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों सेम पोटेंशियल एक्वायर नहीं करते, सेम पोटेंशियल अटेन नहीं करते। तो इससे चार्ज इसमें ट्रांसफर हो रहा है, तो मान लो क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ, इससे क्यू चार्ज इस पर ट्रांसफर हुआ, तो अब इसके पास कितना चार्ज बचा, आफ्टर शेयरिंग चार्ज कितना बच रहा है इसके पास, Q1 प्लस Q, दिस इज द चार्ज आफ्टर सेविंग, इसके पास कितना चार्ज बच रहा है, इससे निकल रहा है ना, तो Q2 डैश इज इक्वल टू Q2 प्लस Q2 माइनस Q, है ना, माइनस Q। अब देखिए क्या क्या कहानी बन रहा है, ये हायर पोटेंशियल पर है और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल पर है, तो हायर से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज जा रहा है, जाने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें फाइंड करना है कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल को भी फाइंड कर सकते हैं, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ वो भी फाइंड कर सकते हैं। कॉमन पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन पोटेंशियल अगर हमें फाइंड करना होगा
वी कॉमन है ना, कॉमन पोटेंशियल अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये कितना होगा। तो अब कितना इसके पास चार्ज आ गया भाई, तो लिखेंगे क्यू वन डैश बाई फोर पाई एप्सिलॉन आर वन, ठीक है। तो क्यू वन डैश इज इक्वल टू कितना, क्यू वन प्लस क्यू डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन आर वन, ये कॉमन। और इसके पास कितना है, ये आ रहा है क्यू टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन आर टू, ठीक है। ये देखिए, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि फोर पाई एप्सिलॉन फोर पाई कैंसिल हो जा रहा है, आर टू और आर वन ये दोनों हम लोग कनेक्शन लगा दे रहे हैं, तो इससे पता चल जा रहा है हमें कि चार्ज कितना ट्रांसफर होगा। कैलकुलेट कर सकते हैं, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। कैलकुलेशन करना इसको बहुत आसान है ना। तो आर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या रहा है आर टू, इसके बाद क्यू वन प्लस क्यू है ना, ये आ जा रहा है, या इसको हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो एक बार में हम लोग लिख सकते हैं क्यू इंटू आर टू, और दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, यह आ रहा है कितना, Q2 इंटू आर वन माइनस क्यू बाई आर वन है ना। तो इस कहानी में हमें क्या पता चल रहा है, इसमें हमें कॉमन कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ वो हम फाइंड कर सकते हैं, चार्ज ट्रांसफर्ड है ना। तो Q को हम इस साइड ले जाएंगे और इधर इसको हम ले जाएंगे तो आराम से मेरा काम बन जा रहा है। Q आर वन प्लस आर टू लिख देते हैं है ना, तो क्या लिखेंगे आर वन प्लस आर टू दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे Q2 R1 माइनस R2 Q1 है ना। तो Q हम आराम से निकाल सकते हैं और इसको अगर डिवाइड कर दिया हमने तो क्या होगा, Q जो है वो कितना आ रहा है R1 प्लस R2 आ जा रहा है, इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ, ठीक है, इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल आएंगे धड़ाक से इस इक्वेशन को यूज करोगे और आंसर तुरंत पाओगे, कभी भी प्रैक्टिस कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम ये भी सोच सकते हैं है ना, सिमिलरली हम लोग ये भी सोच सकते हैं, मान लो कि R2 की वैल्यू अगर मैंने 5 मीटर रख दिया और इसकी वैल्यू हमने 2 मीटर रख दिया, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज हमने रख दिया थ्री कूलम है ना, और इसके ऊपर रख दिया हमने कितना 5 कूलम, ठीक है, इनिशियली रखा हुआ है। तो बताइए कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, 2 into 5 बस मत करना, 2 into 5 ये आ जा रहा है, 3 into 5 इतना आ जा रहा है, ये मत करना। तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये R2 की वैल्यू है, ये क्या है R1 की वैल्यू है, ये क्या है R1 की वैल्यू है, तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आइदर पॉजिटिव या नहीं तो निगेटिव, कुछ भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए Q2 की वैल्यू कितनी है, तो Q2 की वैल्यू है 3 कूलम है ना, लिखेंगे 3। R1 की वैल्यू कितनी है भाई, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर लिख दिया हमने, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज हमने 5 लिखा हुआ है, और Q1 की वैल्यू कितनी है 5 है ना, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, यहाँ पे लिखेंगे 6 में से 25, 25 में से 6 गया तो कितना हुआ माइनस 19 है ना बाय 7। तो ये आपका इतना कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, निगेटिव चार्ज आ रहा है, ओके तो इस तरह से हम लोग समझेंगे जानेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। इसको और अच्छे से समझोगे है ना, तो R1 से R2 बाई R1 हम लोग रेशियो भी निकाल सकते हैं है ना, R2 से R1 डिवाइड कर देंगे, ये भी डिवाइड कर देंगे, R2 बाई R1 रेशियो निकल जाएगा। तो इसको और इजी फॉर्म में आप लेके जा सकते हो, जो हम लिख रहे हैं कुछ इस तरह से Q2 माइनस R2 by R1 into Q1 divided by 1 plus R2 by R1, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, ये रेशियो तो पता है ग्रेटर देन वन है, ये भी पता है ग्रेटर देन वन है। अब सवाल ये है ग्रेटर देन वन है तो टू थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव इसके मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव इस पे डिपेंड करता है। मान लो कि Q2 R1 इज ग्रेटर देन, पॉजिटिव चार्ज है तो R2 Q1 अगर हम लिखते हैं इस तरह से तो आप लोग खुद पता कर सकते हो कि R2 माइनस, ये पता कर सकते हैं कि चार्ज कितने कितना ज़्यादा था, तो R2 by R1 है ना इज लेस देन Q2 by Q1। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन वन है, मान लो थ्री रख दिया हमने, ठीक है, तो कहानी आप देख सकते हो। ओके, तो शेयरिंग ऑफ चार्ज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। शेयरिंग ऑफ चार्ज में ये पढ़े कि चार्ज हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल से सॉरी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है। क्या कभी ऐसा केस हो सकता है कि चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर ट्रांसफर करे निगेटिव चार्ज के लिए? बिल्कुल सही है, निगेटिव चार्ज में ऐसा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं,